ब्यूटीफुल। और चलिए आज का मेकअप शुरू करते हैं। और आज मैं एक वैलेंटाइन डे के लिए जो लुक क्रिएट करने जा रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले अपने फेस को जो है वॉश कीजिए, अगर वॉश नहीं है तो पहले वॉश जरूर करना, उसके बाद मॉइस्चराइज करना और उसके बाद फिर प्राइमर अप्लाई करना। तो प्राइमर और फेस वॉश का जो पोर्शन है वो स्किप हो गया है, तो प्लीज़ इग्नोर और अब आगे शुरू करते हैं। तो वो दो चीज़ें कर लीजिए और अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी फेस ऑयल, ये नायका का फेस ऑयल है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे इसका लगा। तो फेस ऑयल अप्लाई करने से सबसे पहले मैं आपको इसका फ़ायदा बता दूँ क्या होता है कि आप जब भी फेस ऑयल अप्लाई करते हैं ना तो आपका जो मेकअप होता है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगता है। कई बार आप देखना कि अगर आपके जो फाउंडेशन है उसमें कोई अगर ऑयल नहीं है या वो थोड़ा सा यू नो मैट फिनिश है तो अगर आप उसको लगाएंगे तो उसके बाद क्या है कि फेस पे ना एक ड्राइनेस आती है तो वो बड़ी ख़राब लगती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फेस ऑयल को ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे इसका रिज़ल्ट जो है काफ़ी अच्छा लगता है फेस ऑयल अप्लाई करने के बाद, तो जो एक लुक आता है मेकअप का वो भी बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ा सा नेक पे भी अप्लाई कर लेते हैं और इसको अच्छे से मसाज कीजिए अपने स्किन पर। यस, इट्स डन नाउ। और इसको मैं छोड़ दूंगी। तो सबसे पहले मैं जो है अपनी आईज का मेकअप करूंगी, क्योंकि फिर आईज भी मेकअप करने के बाद ना अगर आप फेस का मेकअप पहले करेंगे आईज का बाद में करेंगे तो वो फॉल आउट होता है और सारा स्किन पे गिरता है तो फिर थोड़ा मेकअप खराब होता है। तो सबसे पहले हम स्किन का करेंगे, स्किन का कह रही हूँ, सबसे पहले आईज़ का करेंगे। तो आईज पर सबसे पहले मैं ये कंसीलर अप्लाई करूँगी और कंसीलर अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा लूज पाउडर और कोई क्रीज नहीं पड़ेगी तो जस्ट दैट। तो बहुत जल्दी जल्दी मेकअप करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इन केस अगर आपके पास कोई आई शेडो अवेलेबल नहीं है या आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या लगाएं, तो सबसे बेस्ट मैं तो मानती हूँ पिंक कलर जो होता है आपका, अगर लिपस्टिक का शेड है तो उसको अप्लाई कीजिए। ब्रश इसको मैं अप्लाई करूंगी फिंगर से ही। फ्लफी ब्रश की हेल्प से हल्का सा इसको ऐसे स्मज कर देंगे ताकि अनइवन ना लगे। अब मैं आईलाइनर अप्लाई करूंगी। सो लाइनर डन हो गया है, सबसे ज्यादा टाइम मुझे लाइनर में लगता है। थोड़ा सा मस्कारा, आईब्रोज को जो है फिल कर लूंगी वेट एंड वाइल्ड की ब्रो पेंसिल है इससे मैं इसको फिल करूंगी। ये ऑलरेडी इतनी ब्लैक है और इसमें हल्का सा फर्क है तो मैं क्या करती हूँ स्टॉर्म या फिर ये जो थोड़ा सा डार्क है ये वाला आप उठा सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा डार्क उठाती हूँ और अपनी ब्रो को फिल करती हूँ। लैक्मे का फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, दैट इज 9 to 5। और पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मुझे फाउंडेशन काफ़ी पसंद है, इसका जो
टेक्सचर है या आपके लिए जिसके अंदर आर्गन ऑयल है तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा एक फिनिश देता है। और बस इस तरीके से अपने फेस पर, पूरे फेस पर इस तरीके से लगा लीजिए और फिर एक स्पंज की हेल्प से डैप डैप करके पूरे अच्छे से इसको ब्लेंड कर लीजिए। आप चाहे तो किसी ब्रश की हेल्प से भी इसको यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो फिर हैंड्स की हेल्प से भी आप इसको कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे, जैसे भी आपको ठीक लगता है, आप उस हिसाब से कर लीजिए। बट स्पंज का एक जो फिनिश आता है वो काफ़ी अच्छा आता है। और बस ये मेरा यहाँ पर फाउंडेशन हो गया है और इसके बाद अब हम अप्लाई करेंगे कंसीलर। कंसीलर मैं यहाँ पर मेबलिन का ही यूज़ कर रही हूँ और बस ये एक छोटे वाले स्पंज की हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से ही ब्लेंड कर लूँगी। हल्के से जो डार्क स्पॉट्स अंडर आई सर्कल्स हैं आप उनको कह लीजिए उसको हटाने के लिए। और बस अब ये लूज़ पाउडर हम अप्लाई करेंगे ताकि कोई क्रीज ना पड़े। ज़्यादा इतना लगाने की ज़रूरत नहीं होती है लूज़ पाउडर, इज जस्ट दैट कि आप उसको फाउंडेशन को सेट कर लीजिए। और जो आईलैशेस थोड़ी बहुत अगर फाउंडेशन लगा है तो बस उसको मैं ठीक कर रही हूँ मस्कारा की हेल्प से। और हो गया है अब मेरा फेवरेट सबसे ब्लश, ये मैं फिटमी का ही यूज़ कर रही हूँ मेबलिन और ये मुझे काफ़ी पसंद है। तो और अब ये मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ स्मैश बॉक्स की, तो ये कलर मुझे काफ़ी पसंद है, अच्छा लगता है और इसको मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ। तो दिस वन इज़ माय फेवरेट कलर, अगर आप न्यूड में कोई पूछेंगे तो मैं इसी को रिकमेंड करूँगी। और ये बचा हाइलाइटर, तो इसको भी थोड़ा लगा लेते हैं। यू नो थोड़ा सा पूरा दिन आपको अगर बाहर रहना है तो फेस पे ग्लो दिखना चाहिए। और बस ये हाइलाइटर हमारा हो गया है और अब हम मिलते हैं तैयार होकर। मैं हो गई हूँ रेडी और मैं हुई हूँ एक इंडियन स्टाइल में रेडी। मैं चाहती थी कुछ थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न टाइप्स हो और इसलिए मैंने ये शर्ट पहनी है, साटिन की एक शर्ट है ये, मेरे पास काफ़ी पुरानी शर्ट थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई रेड कलर कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा, वैलेंटाइंस डे है तो मैंने ये रेड कलर की अपनी शर्ट यूज़ की है और उसके साथ मैंने ये एक साड़ी इसके साथ पेयर की है। तो कलर कॉम्बिनेशन अच्छा खासा मैच हो रहा था और साड़ी इतनी हल्की फुल्की है कि आप इसे पूरा दिन पहन कर रख सकते हैं। सो एक अच्छा सा स्टाइलिश लुक क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया है, पल्लू की जो प्लीट्स हैं उनको इस तरीके से टक किया है और एक बन बना लिया है ऊपर। यू नो बड़ा कंफर्टेबल लगता है बन बनाकर, आप आराम से घूम सकते हैं, खा सकते हैं। और हाथों में मैंने ये जयपुरी बैंगल हैं वो डाली है। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड लुक की। तो सब कुछ चीज़ें सेम है, साड़ी वही है, शर्ट वही है और कानों की भी वही सेम है। बस मैंने क्या किया है हाथों में चेंज कर लिया है, मैंने वो बैंगल की जगह सिर्फ यहाँ पर डाला है मैंने एक वॉच डाल ली है। और जो प्लीट्स थी साइज़ मैंने वही रखा प्लीट्स का, लेकिन अब मैंने क्या किया फ्रंट से ना लेकर उनको बैक साइड से ले लिया है और इस तरीके से एक बेल्ट लगा ली है। तो ये एक बहुत ही स्टाइलिश लुक लगा, बहुत अच्छा कंफर्टेबल, इवन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लगा। आई होप आपको मेरे ये दोनों लुक अच्छे लगे हों। सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे।